नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बेगूसराय में शूटआउट मामले को लेकर आज बिहार पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस मामले को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले देखिए। बेगूसराय में शाम को करीब 5 बजे अपराधकर्मियों द्वारा गोली चलाई गई और सड़क के किनारे गोली चलाते हुए वो लोग मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। इसी क्रम में 10 लोगों को गोली लग गई, वो उसमें से 8 लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली इसमें मृत्यु हो गई, जो चंदन कुमार थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस एक्शन में आई और सभी जगह नाकेबंदी कर दी गई है, चेक पोस्ट लगा के रात भर चेकिंग की गई है। आसपास के जिलों जैसे कि पटना, बेगूसराय के अलावा पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया आदि जिलों को भी रात में ही अलर्ट कर दिया गया। उनके द्वारा भी अपने अपने यहाँ चेकिंग लगा के अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पुलिस की जो अलग टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया। सीसीटीवी फुटेज पर अपराधकर्मी दिख रहे हैं और उनके आधार पर जो है हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। प्रारंभिक रूप से जो हमारी गश्ती पार्टी थी वो रोड पर थी, फिर भी उनके द्वारा अपराधकर्मियों को रोका नहीं जा सका या चेकिंग नहीं की जा सकी और अपराधकर्मियों इस क्रम में 7 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया। पुलिस की लैप्सेस मान रहे हैं आप? पुलिस की लैप्सेस इन सेंस में है कि उनको और एक्टिव तरीके से रोड पे चेकिंग करना चाहिए था। वो सामान्य रूप से गश्ती कर रहे थे और सभी गाड़ियां गश्ती की रोड पे पाई गई हैं, तो यहां तक उनका कर्तव्य ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको इंटेंसिव चेकिंग, कौन सी मोटरसाइकिल भाग रही है, क्या है, जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें हम लोग अभी इनको लापरवाही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी पुलिस की जो टीम बनी हुई है वो सब इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और जेल से भी कुछ तस्वीर जा रही है। मैं आपको इतना बता दूं कि जेल के जो अपराधकर्मी हैं और जेल से जो इनपुट लेने का पुलिस का तरीका है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जेल से छूटे हुए अपराधकर्मी हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों को डिटेन किए जाने की सूचना है, विस्तृत जानकारी आपको बाद में। क्या क्या माना जाए सर, किस पर्पस से, मतलब क्या साइको किलर, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइको किलर की मामला या किसी आतंकी साजिश पर। जब तक वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, उनसे पूछताछ नहीं हो जाती, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो घटनाक्रम है और जो अभी तक उसका विश्लेषण हो पाया उससे ये क्लियर होता है कि इनका इरादा लूटपाट का नहीं था, किसी व्यक्ति को घायल करके कोई डकैती या इस टाइप का इरादा नहीं था। दूसरा, इरादा इनका किसी व्यक्ति विशेष को मारने का भी नहीं था, क्योंकि रोड पर जो भी लोग थे उनको गोली चलाते हुए भाग गए। तो कुल मिलाकर के इलाके में सनसनी पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना, ये इरादा हो सकता है, परंतु इसके पीछे और क्या उनका इरादा है, क्या मोटिव है, किन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, कौन लोग इसमें भेजे गए थे, किन लोगों ने घटना किया, ये सभी प्रश्न अनुसंधान गिरफ्तारी के हैं, जो जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे। जंगल राज की पूरी तरह से निकल रहा है, वो कैसे चले, जो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं उन्हें डर लग रहा है, खास करके वो मुकामा से पटना की ओर बढ़े थे, तो इन रास्तों पर भी कुछ पैनी नजर रखी गई। पुलिस की बराबर गश्ती रोड पर रहती है। इस मामले में भी पुलिस की प्रेजेंस रोड पर थी, लेकिन उनके द्वारा एक्टिव तरीके से चेकिंग नहीं की गई, इस कारण से उनको लापरवाही के आरोप में प्रथम दृष्टया निलंबित किया गया है। पुलिस की सभी गाड़ियां रोड पर थी, पुलिस अधीक्षक ने बताया। जीपीएस से हमने चेक किया और आपने देखा कि डायल 112 की गाड़ियां भी रहती हैं। पहली घटना होने के बाद लोग उस जिसको गोली लगी उसके इलाज में दौड़ने में और इलाज की व्यवस्था करने में उन्होंने समय जाया किया। पुलिस को सूचना उसके 20-25 मिनट बाद हुई है और 30-35 मिनट के बाद तो ये मोटरसाइकिल के अपराधकर्मी फायरिंग करते हुए निकल के जा चुके थे। तो कुल मिला के घटना बहुत ही ब्रीफ पीरियड में हुई है, बहुत ही 30-35 मिनट का टाइम जो मुझे बताया गया है उसमें ये घटना हुई है। और कई लंबे इलाके में, 25 से 30 किलोमीटर का इलाका है, उस इलाके में हुई है, तो वहाँ पर जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो होता, पब्लिक पुलिस को सूचना देती, उसमें 20 मिनट का देर। कुल मिला के अभी ये स्थिति है कि पुलिस की लगातार चेकिंग चल रही है, सड़कों पर पुलिस की प्रेजेंस बनी हुई है, अलग अलग टीम बना दी गई हैं। जो बॉर्डरिंग एसपीज हैं वो एसपी बेगूसराय और को मदद कर रहे हैं और डीआईजी बेगूसराय को इस मामले में लीड लेकर के पूरे अभियान की कमान दी। पहचान हो पाई है सर?
अपराधी के बारे में अभी छानबीन हो रही है, जैसे ही अपराधी की पहचान होगी आगे कुछ होगा हम आपको बताएंगे। तो आपने सुना कि जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि इस मामले को लेकर बिहार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि बेगूसराय पुलिस में कुछ कमियां देखी गई जिसको देखते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि उस वक्त पुलिस पेट्रोलिंग में नहीं थी वो सरासर गलत है। उस घटनाक्रम के वक्त भी पुलिस पेट्रोलिंग पर थी, हालांकि जो है पुलिस ने सतर्कता नहीं बरती जिसके वजह से वो अपराधी नहीं पकड़े गए। आपको बता दें उन्होंने कहा कि जीपीएस के माध्यम से जब पुलिस वाहन को जांचा गया तो वो उस मौके पर पेट्रोलिंग करते हुए ही दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे पे बिहार पुलिस पर सवाल उठाना सही नहीं है। हालांकि बिहार पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं कोई गलती बरती गई है, इसी वजह से अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है, खास करके भाजपा बिहार सरकार को घेर रही है। भाजपा के बड़े नेता बेगूसराय पहुंचे हुए हैं और भाजपा के द्वारा आज बेगूसराय बंद भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 11 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।